मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल झाड़ू पोछा कपड़े सब धुल गए हैं और अभी बज रहे हैं। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 10 हो रहे हैं। किचन में ना लाइट थोड़ी सी लो है, किचन में नाश्ता आलू को मिक्स वेज बना रही हूँ नाश्ते में। ये काव्या पढ़ाई कर रही है, इसे एग्जाम आ गए हैं, जिस दिन उसका बर्थडे है उसके अगले दिन से एग्जाम है। मैंने बिठा दिया इसे पहले सिलेबस में जो जो आना है UKG के, तो प्लस माइनस 1 to 50 काउंटिंग। फर्स्ट पेपर मैथ का है, 6 सब्जेक्ट हैं इसके। इतनी गंदी राइटिंग में लिख रही है जब मैं नहीं होती। ओ मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, बहुत देर हो गई थी। मेरा ड्रिंक बन गया, तो उसमें मंगाया है, कहते हैं इससे बहुत बेनिफिट होता है PCOD में। तो मैं अभी ये जो ड्रिंक बनाती हूँ ना उसमें कैरेट सीड डाल देती हूँ, तो ये भी डाल देती हूँ। मेरे को ना ट्राइपॉड सेट करने नहीं आता, मैं आज बहुत देर से उठी हूँ, 10 बजे उठी हूँ मैं। मेरे हस्बैंड ने कपड़े धो के सुखा दिए सारे, झाड़ू भी लगा दी, क्योंकि आज अभी जाना है कोविड वैक्सीन की। हम दोनों का एक ही दिन है, अब जैसे थर्ड वेव आ रही है कोविड की, हम लोग बहुत स्केयर्ड हो गए। मैंने कहा चलो यार बनना जाए यार वैक्सीन लगवा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और वैक्सीन का स्यापा आ गया है कि एक और वैक्सीन लगेगी हमें। आज बहुत सिंपल बना रही हूँ, इसमें मैंने बस आलू गाजर गोभी थोड़ी सी मटर रखी वो डाल दूँगी, मतलब ना मैंने इसमें टमाटर डाला है और ना मैंने इसमें प्याज डाला है, बस इसे रोस्ट करूँगी। इस तरह से आप सिंपल तरीके से सब्जी बनाएंगे ना, और अगर आप वॉकिंग हैं तो सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है और स्वाद ही बहुत अच्छा आता है। जितने कम मसाले आप डालोगे उतनी ज़्यादा अच्छी सब्जी बनेगी। तेल ना कम है, इतना सा ही है। पराठा हम नॉर्मली नहीं खाते हैं, खाते हैं तो बहुत कम ऑयल में खाते, तो हमारा हो जाएगा। आटा है ना जो मैंने गूंदा है, इसमें ना ये आप येलो येलो देख रहे होगे, ये जौ का आटा है और इसमें आटा है मल्टीग्रेन आटे में। मैंने मेरी सब्जी बच गई थी ना वो मैंने डाल दी थी, काला चना बनाया था ना कल, तो वो मैंने डाल दिया। मैंने कहा क्या इसको फेंकना, पोषक तत्व होते हैं तो ये और मल्टीग्रेन हो तो इसलिए येलो है। तो और ये मैं इसमें रख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ वो ऐसे रख देते गैस में, तो इससे गैस भी ख़राब होती है और कॉकरोच भी आते हैं। तो जब भी आप सब्जी बनाएं तो एक बर्तन एक्स्ट्रा रखें, उस पर आप ये रखें और उसके बाद धो लीजिए, फिर इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए, क्योंकि जब किचन में गंदगी तो होती है, कॉकरोच भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इससे आपका मतलब किचन साफ़ रहेगा और चूल्हा भी गंदा नहीं होगा। ये देखिए हमारे घरेलू पुरुष हैं पोछा लगाते हुए। ये 5 मिनट में हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है, तो इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी में से तो हरा धनिया डालता है बट नहीं अवेलेबल है तो हम यही डालेंगे, और ये खुशबू से अच्छा फ्लेवर भी आता है और थोड़ा ग्रीनरी सब्जी में होती तो अच्छा लगता है, और कड़वापन तो नहीं आता कस्तूरी मेथी में। और ये हमारा डिलीशियस ब्रेकफास्ट विद इन 10 मिनट्स में बन गया, और हमारा विद इन मैं आपको बोलूँगी 10 मिनट्स से बना है, आटा भी गूंदा सब्जी भी काटी और झटपट से रेडी होने वाला देसी ब्रेकफास्ट रेडी है। तो अब काव्या को भूख लग रही है और अब मैं आपसे मिलती हूँ कोविड वैक्सीन सेंटर में। इतनी डिलीशियस ना, इनको नाश्ता तो डिलीशियस लगा, ये चाय की डिमांड आ रही है, चाय, और चाय भी पी रहे हैं। क्या हुआ है, थक गए हो तुम, थक गए हो? क्या क्या काम किया है? झाड़ू पोछा कपड़े, झाड़ू झाड़ू तो चल समझ में आता, पोछा तो तुमने ऐसे लगाया, देखो ये देखो कूड़ा दिख रहा है, मैंने दिखाया था होप से लगाया वो तो मैं तो लगाती हूँ। ये होते हैं पति, एक दिन काम करेंगे और ऐसे सुनाएंगे। और कपड़े के लिए क्या बोल रहे हो, कपड़े वॉशिंग मशीन ने धोए हैं? अपने आप सूख रहे, सुखा के रहे हो ना? ऐसे होते हैं सारे पति, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं और कहते हैं मैंने कपड़े धोए, मैं बहुत थक गया,
पोछा तो मोप से लगता है यार वो, मैं तो जॉब करते करते कर लेती हूँ काम। प्याज और लग गई है जल्दी के चक्कर में, मैं कहा जल्दी जल्दी करते हैं और फिसल गई, उठना फिसल गया, चलो चलते हैं मिक्सर लगाने। कट कर रहे थे आपके? ओहो बहुत लग गई चोट मेरी गुड़िया को। ये हम निकल चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए। हमें कहाँ जाना है वैक्सीनेशन के लिए? सुनो पिंपरी चिंचवाड़ है। पहुंच गए हम, चलो आपको दिखा। कावे चलो तुम्हारे भी लगेगा लगेगा। फाइनली हम लोगों का इंजेक्शन लग गया है, मैं और मेरे हस्बैंड का। वी आर गोइंग बैक टू होम। मेरा देखो काजल बहुत इजीली लगे, वहाँ गए तो क्राउड नहीं था, बहुत आसानी से लगा। काफी वेरी स्केयर्ड कि उसे भी लग रहा है कि उसे भी लग जाएगा, तो मैं उसे चिढ़ा रही हूँ। तो चलो अब थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। गाइस वेलकम बैक। शाम के 7:30 हो गए, खाना मैंने बना लिया था, मैं आ गई थी अभी 7 बजे ही हम आए हैं। इसकी इसका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे की थोड़ी शॉपिंग की। पहला पेपर काफी का आर्ट एंड क्राफ्ट का है, तो एक वेजिटेबल ट्राई करनी थी ड्राॅइंग में और एक फ्रूट तैयार करना है। तो शी इज़ ड्राॅइंग बहुत ही सुंदर से पोटैटो बनाया है एंड ऑरेंज बनाया है। ये चावल बना दिए थे, सब्जी बची हुई है, ये दाल है। काबू खाना खा लो बेटा, डिनर कर लो, छोड़ो पढ़ाई छोड़ दो, डिनर पापा कराएंगे। माई दिन भर की दिनचर्या। आई होप यू एंजॉय माई ब्लॉग। और अब मैं डिनर कर रही थी तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग मैं अब सोची बहुत छोटे छोटे बनाऊँ और 10-12 मिनट के भी बहुत लंबे होते हैं, तो इसलिए मैं बाय कर रही हूँ। अब मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।